प्रस्तुत कहानी सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो कि जनश्रुतियों पर आधारित है, जिसका शाब्दिक संयोजन स्वरचित एवं काल्पनिक है। प्रस्तुत घटनाक्रम में किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। नदी के तट पर बसा हिमाचल का सुंदर जिला कांगड़ा और जिला कांगड़ा के धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बसा एक गांव। कभी इसी गांव में राणा गुगमल लसानी राज्य करता था, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात काम करता। एक दिन राजा अपनी रानी से यूं कहने लगा, पानी की कमी से उत्पन्न हुई समस्याओं को लेकर चिंतित हूं तथा असमंजस में भी हूं कि इनका समाधान कैसे किया जाए। महारानी, दूसरी और समस्या यह भी है कि दरिया बहुत दूर है तथा इसका तल गांव से काफी नीचे है। मैंने बहुत यत्न किए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अपने प्रदेशवासियों की प्यास नहीं बुझा सका। मेरी प्रजा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और खेत भी गर्मी तथा बिन पानी के बंजर हो गए। महाराज, आप चिंता ना करें, इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। पर कैसे महारानी, कैसे इस समस्या का हल निकल पाएगा? मैं अपनी प्रजा के लोगों को रोता चिल्लाता बिलखता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन महाराज, इस तरह चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। इसमें आप विश्राम कीजिए और सुबह उठकर अपने सलाहकारों से कोई ना कोई परामर्श लीजिए। मुझे विश्वास है इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। ठीक है महारानी।
यकीन महाराज, इसका कोई ना कोई हल तो होगा। मंत्री जी, मैंने बहुत यत्न किए लेकिन इसका कोई उपाय नहीं सूझा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नदी गांव से काफी नीचे है तथा इसका पानी गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। मंत्री जी, कृपया आप ही कुछ सुझाव दें। क्यों ना हम एक यज्ञ का आयोजन करें ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए। लेकिन महाराज, यदि यज्ञ में ज्यादा समय लग गया तो जनता प्यासी मर जाएगी। आपका कथन भी सत्य है मंत्री जी। महाराज, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कार्य भी पूरा हो जाए और हमारा समय भी बच जाए। जैसे कि अपनी बात का वर्णन करें मंत्री जी। जैसे कि हाँ महाराज, एक उपाय है। अगर हम दरिया से लेके गांव तथा खेतों तक एक कुल अर्थात छोटी नहर का निर्माण करें तो शीघ्र अति शीघ्र हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मंत्री, राजमिस्त्री को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। जो आज्ञा मंत्री। और हाँ, सभी गांववासियों को काम पर लगा दें ताकि कार्य जल्दी संपन्न हो जाए और सभी गांववासियों के खाने का प्रबंध वहीं पर कर दिया जाए। जो आज्ञा मंत्री। मंत्री, छोटी नहर अर्थात कुहल का कार्य कितने दिनों में संपन्न हो जाएगा? महाराज, अगर सभी गांववासी लगन से कार्य करें तो जल्दी ही। महाराज की जय हो। महाराज, मैं राजमिस्त्री को ले आया हूँ। महाराज की जय हो। बहुत कुछ सोचने के बाद राजा ने पानी के लिए कुल का काम शुरू करवा दिया। जो राणा चाहे।
दरिया हर बार डंगा चिनवाता, पर वो हर बार टूट जाता। अंत में मिस्त्री भी काम छोड़कर चले जाते। राजा उदास हो जाता। एक दिन उसे स्वप्न आता है। यदि तुम पानी की समस्या का हल शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे दान या बलि देनी होगी। लेकिन क्या माता? पुत्र, इस महल में जो तुम्हें सबसे प्रिय व जान से प्यारा है, तुम्हें उसी की ही बलि देनी होगी। प्रणाम महाराज। संतरी, राज पुरोहित जी को अभी दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया जाए। सोपन देखा, इस सोपन का महाराज, दरिया के तल से गांव की ऊंचाई तक दीवार बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं आ रही है, परंतु जब ये दीवार अंतिम छोर तक पहुंचती है तो अचानक गिर जाती है। जबकि आगे की भूमि समतल है तथा गांव में पानी आसानी से पहुंचाया जा सकता है, तथा जहां तक आपके स्वप्न का प्रश्न है, देवी माँ का आपके स्वप्न में आना इसी बात को दर्शाता है कि आपको उसी स्थान पर जाके बलि या दान देना होगा जहां पर ये दीवार बार बार गिर रही है। अपने पुरोहित को जब अपने स्वप्न के बारे में बताता है तो पुरोहित राजा से कहता है, एक चीज प्यारी कुल
सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है कि वो किस चीज की बलि दे। बहुत सोच विचार के बाद राजा ठीवी उठाता है। यदि ठिम्बी दान की जाए तो? नहीं नहीं, मैं ठिम्बी दान कैसे कर सकता हूँ? ठिम्बी तो बरकत देती है, और यदि बरकत ही घर से चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसी से तो मेरे राजा होने की शान होती है। अगर मैं झाड़ू दान करूं तो? परंतु झाड़ू तो लक्ष्मी रूप होता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। यदि लक्ष्मी को ही दान कर दिया जाए तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ऐसी पूजनीय वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ये पाप कदापि नहीं। गाय, अगर मैं गाय की बलि दूं तो? परंतु ये तो माँ के समान होती है और इसका ही दूध पीकर तो मैं बड़ा हुआ हूं। नहीं नहीं, ये पाप कदापि नहीं। अगर मैं अपनी बेटी कुंडली? नहीं नहीं, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, यह तो पहले ही पराया धन है। नहीं नहीं, ये असंभव है। हे प्रभु, तू मुझे ये किस गलती की सजा दे रहा है? पिताजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं। तो पिताजी, मैं अपनी सखियों के साथ मंदिर जाऊं? हाँ बेटी, जाओ। बरकत जान दी, बरकत
इतना सोचकर थीम भी रख देता है और झाड़ू उठाता है। सोचकर झाड़ू रख देता है और अपनी गाय की तरफ देखता है। सोच में पड़ जाता है कि आखिर देवी को खुश करने के लिए किस चीज की बलि दी जाए। तभी उसकी पुत्री कुंडली आ जाती है। उसे देखकर राजा कहता है, चैन हो उठता है कि आखिर किसकी बलि दी जाए। तभी उसे उसका मंत्री टीट महंत राजा को उसकी बहू रुक्मिणी की बलि देने के लिए कहता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। कहिए मंत्री जी, अब आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, परंतु आपको दान नहीं बलि ही देनी पड़ेगी। बलि? लेकिन किसकी मंत्री, किसकी? महाराज, आपकी बहू रुक्मिणी की। मंत्री! 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 नहीं मंत्री, नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो?
ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं अपनी बहू को बलि के लिए कैसे कहूं? बहुरानी, महाराज जी आपसे मिलने आए हैं। क्या महाराज जी आए हैं? प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद बहू, कैसी हो? ठीक हूँ, आइए भीतर आइए। पिताजी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। कोई बात नहीं बेटी, मैंने सोचा कि मैं तुमसे यहीं आकर बात कर लूं। बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि हमने कुहुल का अर्थात छोटी नहर का काम लगा रखा है। लेकिन बड़े यत्नों के बावजूद पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे मैं बहुत चिंतित हूँ। चिंता ना करें पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। परंतु बेटी, मैंने इंद्र देवता को मनाने के लिए पूजा का आयोजन किया है, जिसमें तुम्हारा उपस्थित होना बहुत जरूरी है। और मेरी ये इच्छा है कि यह पूजा का शुभ कार्य तुम्हारे ही हाथों से संपन्न हो। तो तुम ऐसा करना, नहा धोकर नारियल दूध और फूल इत्यादि लेकर तैयार रहना। मैं कहार को भेजकर पालकी भिजवा दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा में जरूर उपस्थित हो जाऊंगी। भला मैं आपकी बात को कैसे टाल सकती हूँ? ठीक है बेटी। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। सोचकर राजा अपनी बहू रुक्मणी के महल पहुंचता है और उससे कहता है, नौई नौई मते
सुनकर रुक्मणी अपने ससुर राजा से कहती है, राजा चला जाता है। पर रुक्मणी को क्या पता था कि ये राजा नहीं, उसका काल उसके पास आया था। रुक्मणी अपने बेटे घुंघरू को दूध पिलाती है और अपना हार श्रृंगार करती है। देख बेटा, तुम्हें दूध पिलाकर मुझे नहा धोकर पूजा के लिए जाना है, और सुनो, किसी को तंग मत करना, समझे? ये कंघी क्यों छूट रही? ओहो, ये बिंदिया क्यों नहीं लग रही? देख बेटा, रोना नहीं, माँ अभी गई और अभी आई। अरे, मैं जब वापस आऊंगी तो तुम्हें छत में दाना जरूर डालूंगी।
अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो, अभी तो तुम्हें चारा डाला था। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें चारा अवश्य डाल दूंगी, अब चिल्लाना बंद कर। अरे मैं इंद्र देवता की पूजा करने के लिए जा रही हूँ और वो मेरी पूजा से प्रसन्न होकर बहुत बारिश करेंगे और तुम्हें खूब पानी मिलेगा। अरे बेटा मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। दासी घुंघरू को अंदर ले जाओ, इसका ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। चलो कहारो जल्दी चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। अरे कौवे भाई तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए सोने की चोंच बनवाऊंगी। अरे पालकी बहन तुम इस तरह क्यों अटक रही हो, मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि सुखपूर्वक सारे कार्य संपूर्ण होने के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो इस छोड़ी को जरूर चौड़ा करवाऊंगी। Thank you.
जाने की तैयारियां करने लगी। पंछी अपने घर छोड़कर आसमान में व्याकुल होकर उड़ने लगे। पशु गाय बकरियां सब रोने लगी। पौधे और फूल मुरझा गए। उन्हें देखकर रुक्मणी कहती है, कहकर वो डोली में बैठ जाती है तो उसका बेटा घुंघरू डोली के पीछे पीछे दौड़ता है और अपनी माँ को जाने से मना करता है। जब डोली चलने लगी तो हर तरफ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कुत्ते रोने लगे, बिल्ली रास्ता काट गई, कौवा जोर जोर से कड़राने लगा। तभी रुक्मणी कहती है, से गुजरने लगी तो पालकी ड्योड़ी में फंस जाती है। तो रुक्मणी कहती है, रुक्मणी की पालकी को उस खंड के किनारे रख देते हैं जहां पर कुल का काम चला हुआ था। रुक्मणी हाथ में पूजा की थाली लिए हुए डोली से बाहर निकलती है और कुल की तरफ जाती है। टेकने के लिए झुकती है तो राजा के इशारे पर मिस्त्री उसे कुल में धक्का दे देता है। ये क्या पिताजी? बेटी मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी।
बलि? नहीं महाराज नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मिस्त्री जी, मेरे पैरों को मत छीनिए। मिस्त्री जी, मैंने नई झांझरे बनवा रखी हैं। रुकिए मिस्त्री जी, रुकिए। महाराज मुझ पर दया करिए। नहीं मिस्त्री जी नहीं, मेरी कमर से चिनाई मत कीजिए। मैंने नया तिल्ले वाला घाघरा सिलवाया है। मेरी कमर से चिनाई मत कीजिए मिस्त्री जी। नहीं नहीं मिस्त्री जी, रुकिए मिस्त्री जी, रुकिए। मेरी छाती को मत छीनिए। वो मेरे बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएगा। महाराज आप तो दया कीजिए मुझ पे, दया कीजिए मुझ पे। गुरु मेरे बिना जी नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा वो मेरे बिना। दया कीजिए, दया कीजिए। पति देव भी यहाँ होते तो वो मुझे बचा कर जरूर ले जाते। मुझे उन्हें देखने की बहुत आशा है। मिस्त्री जी मुझे मत चीनिए, मुझे मत चीनिए। Yeah.
रुक्मणी चनाई करते हुए मिस्त्रियों को मना कर रही थी कि उसे डंगे में ना चिना जाए। वो रो रो कर कह रही थी कि उसकी छाती और कांधों को ना चिना जाए, क्योंकि अपने बेटे घुंघरू को दूध पिलाना है और कांधों से उसने अपने भाइयों से मिलना है। नाग के पास आती है तो रुक्मणी नाग चीनने के लिए मना करती है, क्योंकि उसने नाग में बेसर डालनी थी। और जब मिस्त्री पत्थर उसकी आंखों पे रखने लगे तो वो कहने लगी, सोच रही थी कि अगर उसका पति यहां होता तो शायद उसे आज यूं जिंदा ना चिनवाया जाता। पर होनी तो बलवान थी, देखते ही देखते रुक्मणी को पूरे डंगे में चिन दिया गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रुक्मणी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। चारों तरफ घनघोर बादल छा गए और वो सभी मिस्त्री जिन्होंने रुक्मणी को डंगे में चिना था एकदम से पत्थर बन गए। घर पर जब घुंघरू को पता चलता है कि उसकी मां को मार दिया गया है तो वो रोते रोते अपने मामा के घर जाता है और मामा से कहता है, शिकार में बहुत ही मजा आ गया। हाँ, हाँ, उस दिन तो बहुत ही मजा आया। अरे ब्रादर, प्रणाम ब्रादर श्री। और अनुज जी ब्रादर श्री, वो कार्य जो मैंने तुम्हें सौंपा था वो कार्य पूरा हुआ या नहीं? जी ब्रादर श्री, मैंने उसे सुबह ही भेज दिया था। और ब्रादर, राज्य में कार्य कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है ब्रादर श्री। ये रूही प्रतीत हो रहा है। जी भ्राता श्री, ये इस कदर रोता रोता क्यों आ रहा है? घुंघरू बेटा, इस तरह से क्यों रो रहे हो? क्या तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारी माँ अर्थात हमारी बहन रुक्मणी वो नहीं आई? Thank you.
भाइयों, युद्ध की तैयारी करो, सारी की सारी सेना को अभी से अभी तैयार करो। और मैं आज शपथ लेता हूँ कि जब तक उस दुष्ट राजा का सर धर से अलग न कर दूं, मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं रखता। जाओ युद्ध की तैयारी करो। बेटा घुंघरू, मैं अभी आ रहा हूँ, यही रुकना। सुनकर रुक्मणी के भाइयों का खून खौलने लगा और उन्होंने अपनी अपनी तलवारें उठाकर पूरी फौज के साथ राणा के गांव पर चढ़ाई कर दी। Down.
अपने मामा के साथ ननिहाल चला जाता है। पानी हर तरफ से खेतों में पहुंचने लगा, छम छम करती पानी की आवाज़।